ऑनर 7X 13,000 रुपए का स्मार्टफोन 4GB रैम एंड 32GB बिल्ट इन स्टोरेज का कंपैरिजन हम करेंगे आज Redmi Note 4 के साथ, जो अभी 12,000 रुपए में आपको शायद मिल सकता है। वैसे ऑनर 7X 64GB वेरिएंट के लिए हमें 16,000 रुपए तक पे करना पड़ सकता है। गाइज, अब 13,000 रुपए में 32GB स्टोरेज 7X में मिलता है, बट साथ में डुअल रियर कैमरा एंड 6 इंच का एज टू एज डिस्प्ले या फिर Redmi Note 4 है स्टिल बेटर चॉइस। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हे व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं आपका दोस्त इमरान एंड यू आर वॉचिंग आईफोन अनबॉक्स। फ्रेंड्स, दोनों स्मार्टफोन डायमेंशन में ऑलमोस्ट सेम साइज है। नोट 4 थोड़ा वाइड है, चौड़ा, और 7X थोड़ा सा टॉल है। दोनों सेम वेट का है, यानी 165 ग्राम्स का, बट नोट 4 थोड़ा थिक है, यानी 8.5 mm, जबकि 7X है 7.6 mm का। दोनों में बैक मिलता है आपको मेटल का। नोट 4 में कर्व दो तरफ से मिलता है और ये कुछ एक्स्ट्रा है, जबकि 7X में चारों तरफ से इक्वल कर्व मिलेगा आपको। इवन एजेस में भी आपको कर्व मिलता है। बिल्ड क्वालिटी दोनों में अच्छी है गाइस, बट ऑनर 7X ज़्यादा प्रीमियम फील होता है डिज़ाइन एंड लुक के हिसाब से। नोट 4 थोड़ा सा बॉक्सी है। ओवरऑल ऑनर 7X 6 इंच का होने के बावजूद कॉम्पैक्ट फील होता है, कंफर्टेबल है एंड सेक्सी भी लगता है। फ्रेंड्स, Redmi Note 4 में मिलता है 64GB स्टोरेज, जबकि ऑनर 7X में 32GB। यहाँ 13K यानी 13,000 रुपये प्राइस टैग को ध्यान में रखकर मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों को। गाइज, याद रहे कि दोनों में मिलता है हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट। हेडफोन जैक ऑनर 7X में मिलता है बॉटम में स्पीकर के साथ, जबकि नोट 4 में हेडफोन जैक टॉप में स्पीकर बॉटम में मिलता है। हेडफोन की क्वालिटी दोनों में ओके है यानी बहुत अच्छा नहीं है। वैसे स्लाइटली बेटर मुझे लगता है नोट 4 में, बट स्पीकर Redmi Note 4 का थोड़ा लाउड एंड क्लियर लगता है कंपेयर टू 7X। ऑनर 7X में मिलता है बिगर डिस्प्ले 5.93 इंचेस का, 407 PPI डेंसिटी एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है 77% का फुल HD+। एंड Redmi Note 4 में मिलता है 5.5 इंच का डिस्प्ले 401 PPI डेंसिटी के साथ एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो गाइज मिलता है हमें 72.7% का फुल HD। गाइज, ऑनर 7X में हमें 6 इंच का डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही डिस्प्ले 1080p है और दोनों ही ब्राइट एंड सुंदर दिखता है, बट 7X का डिस्प्ले यहाँ पे विनर है, क्योंकि आंसर बिल्कुल सिंपल है, बिगर इज बेटर, और वो भी गाइस कॉम्पैक्ट साइज में जब डिवाइस आपको मिलता है, यानी एज टू एज डिस्प्ले। बैटरी कैपेसिटी Redmi Note 4 में मिलता है 4100 mAh, जबकि ऑनर 7X में 3340 mAh। नॉर्मली गाइस, जब मैं नोट 4 को रेगुलर यूज़ कर रहा था तो मुझे इसको डेली चार्ज नहीं करना पड़ता, बट 7X को मुझे ऑलमोस्ट डेली चार्ज करना पड़ता है अगर मैं इसको रेगुलर यूज़ करता हूँ। और गाइस, चार्जिंग स्पीड की जहाँ तक बात करूँ तो मुझे Redmi Note 4 ऑनर 7X से क्विक लगा। Redmi Note 4 is powered by Snapdragon 625 octa-core 2 GHz processor, GPU Adreno 506 और
ऑनर 7X में मिलता है हमें हाई सिलिकॉन केरियन 659 ऑक्टोकोर प्रोसेसर एंड जीपीयू माली T830MP2। और फ्रेंड्स दोनों ही स्मार्टफोन में मिलता है हमें 4GB रैम। गाइज अब सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो Redmi Note 4 में मिलता है MIUI 9 लेटेस्ट अपडेट के बाद, जो कि बेस्ड है Android 7। ऑन अ 7X में मिलता है EMUI 5.1 बेस्ड है Android 7.0। दोनों ही डिवाइस स्मूथ इनफ है डेली ड्राइवर के लिए एंड Redmi Note 4 या ये कह लीजिए MIUI 9 ज़्यादा स्मूथ एंड स्टेबल है, रिस्पॉन्सिव है। और गाइज मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था जहाँ मैंने Infinix Zero 5 के साथ Honor 7X का कंपैरिजन किया था, वहाँ मैंने बताया था कि मेरा डिवाइस यानी Honor 7X दो तीन बार फ्रीज हुआ था, मुझे इसको रीस्टार्ट करना पड़ा था और इस बार भी मुझे एक दो बार ऐसा करना पड़ा। और गाइज जो प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ वो मैं बताता हूँ, जो प्रॉब्लम मैं फेस नहीं करता वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी और के लिए हो सकता है। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दोनों में ही कोई इशू नहीं है। वैसे पर्सनली मुझे Redmi Note 4 में ज़्यादा मज़ा आया है, स्पेशली हेवी गेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आपको Redmi Note 4 में डेफिनेटली अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। बट गाइज गेम्स लोडिंग एंड ओपनिंग स्पीड की अगर बात करूँ तो Honor 7X सॉलिड है, इवन रैम मैनेजमेंट भी एक्सेलेंट है। स्पेशली मैं ये टेस्ट में आपको दिखा रहा हूँ ये कितना इम्प्रेसिव है। और गाइज अगर ऑनर ने ये जो बीच बीच में डिवाइस का हैंग हो जाना ये अगर नेक्स्ट अपडेट में फिक्स कर दिया तो डेफिनेटली 7X 13,000 रुपये का एक सॉलिड कंटेंडर है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस डेफिनेटली MIUI 9 का बेटर है EMUI से एंड दोनों ही ऑफर करता है कस्टमाइज्ड एंड्रॉयड एक्सपीरियंस बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ, जैसे 100 मोड, थीम्स, डबल टैप टू वेक, रीडिंग मोड, ऐप क्लोन या डुअल एप्स, एप्स लॉक्स एंड गाइज फिंगरप्रिंट स्कैनर से डिवाइस अनलॉक करने के अलावा कुछ और कंट्रोल्स भी कर सकते हैं आप। फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों का ही क्विक है, नोटिफिकेशन LED आपको दोनों ही डिवाइस में मिल जाएगा बट Redmi Note 4 में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस के साथ। Honor 7X में 12 रियर कैमरा मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का विथ सिंगल LED फ्लैश, जबकि Redmi Note 4 में मिलता है रियर शूटर 13 मेगापिक्सल का डुअल टोन डुअल LED फ्लैश के साथ। सेल्फी कैमरा मिलता है Redmi Note 4 में 5 मेगापिक्सल का और यहाँ भी आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 1080p तक। एंड Honor 7X में मिलता है 8 मेगापिक्सल का और यहाँ भी आप मैक्सिमम 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। गाइस कैमरा UI दोनों का ही बहुत सिंपल है। Honor 7X में बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे कैमरा में, लेफ्ट साइड में आपको स्वाइप करने पे सेटिंग्स दिखेगा और राइट साइड पे स्वाइप करने पे बहुत सारे मोड्स दिखेंगे। आप स्लो मो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है तो ऑब्वियसली आप पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं बुके इफेक्ट के साथ। और गाइज आप इसमें आपको एक फीचर मिलेगा इफेक्ट्स का, यानी आप बहुत सारे इफेक्ट्स के साथ अपने इमेजेस और वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन टॉर्च वाले फीचर से आप बिल्कुल डार्क सिचुएशन में इमेजेस ले सकते हैं। और गाइज Redmi Note 4 का UI सिंपल है और बहुत सारे फीचर्स आपको नहीं मिलते बट स्लोमो एंड टाइम लैप्स आपको यहाँ भी मिलता है।
ऑनर 7X को कैमरा सेंट्रिक फ़ोन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कैमरा बेटर मिलेगा। और फ्रंट कैमरा की अगर बात करो तो दोनों में ही मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा। मैं कुछ इमेजेस आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब गाइस मेन कैमरा यानी रियर कैमरा के बारे में बात करता हूँ, तो ऑब्वियसली ऑनर 7X विनर है ओवरऑल। इंडोर शॉट्स हो या लो लाइट शॉट्स हो या फिर आउटडोर हो, वैसे कुछ इमेज मुझे Redmi Note 4 का भी ज़्यादा अच्छा लगा। गाइस लो लाइट कंडीशन में लिया गया ये शॉट दोनों में अच्छे दिख रहे हैं। इनफैक्ट नोट 4 में थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है, बट जूम करके देखने पर आप देख सकते हो ऑनर 7X ज़्यादा शार्प एंड क्रिस्प दिखता है। गाइज आउटडोर में ब्राइट सिचुएशन में लिए गए शॉट्स दोनों के अच्छे हैं। कुछ शॉट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे इस पर्टिकुलर इमेज में आपको नोट 4 ज़्यादा बढ़िया दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कलर रिप्रोडक्शन या डायनेमिक रेंज की अगर बात करूँ तो नोट 4 में ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है। गाइज मैं दोनों से लिए गए कुछ इमेजेस इंडोर आउटडोर लो लाइट मैं सारे इमेजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप खुद जज कीजिए किसका कैमरा आपको ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है। कोई भी डिवाइस कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं है, कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता। 13,000 रुपये में आपके पास अगर ये दोनों चॉइस है, दोनों में से आपको एक पिक करना है, तो अगर आपको चाहिए बेटर कैमरा, डुअल रियर कैमरा मिलता है आपको ऑनर 7X में, तो ऑब्वियसली इसमें बेटर कैमरा आपको मिलेगा। और अगर एच टू एच डिस्प्ले आपको एक्सपीरियंस करना है, 6 इंच का डिस्प्ले चाहिए, तो आपको ऑनर 7X पिक करना चाहिए। अगर आपको चाहिए ओवरऑल बेटर एक्सपीरियंस, बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, बिगर बैटरी और 64GB स्टोरेज, तो आपको डेफिनेटली Redmi Note 4 पिक करना चाहिए। दोनों ही स्मार्टफोन 13K में सॉलिड कंटेंडर है। आप कोई भी स्मार्टफोन पिक कर सकते हो अपने टेस्ट के अनुसार। गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और देखते रहिए iPhone Unboxed।